आप कंफ्यूज मत होइएगा, जेबी कृपलानी मत टिक कीजिएगा। आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता। वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का जो पुरस्कार है, ये अभी ये वर्ल्ड नहीं है, बर्ड है, बर्ड मतलब चिड़िया पक्षी, मैक्सिकन एक फोटोग्राफर है एलेजांद्रो प्रीतो, उन्होंने जीता है। 2021 के ये विजेता बने हैं और उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच कांटेदार तार क्लैड सीमा की दीवार पर घूरते हुए एक बड़े रोडरनर की तस्वीर को कैप्चर करने के लिए जो मेहनत की थी उसका प्रतिफल इनको मिला है और उसी पर इन्होंने ये बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इनका नाम आपसे पूछा जा सकता है, एलेजांद्रो प्रीतो। आज करंट में बहुत सारे प्रश्न थे, कुछ बच गए हैं, उनको फिर मैं आगे करूंगा। और इसके अंतर्गत इनको 5000 यूरो का नगद पुरस्कार दिया गया है। 73 देशों की 22000 प्रविष्टियों में से इनको चुना गया, 22000 लोगों में से चुने गए हैं। और छवि जो इनकी है वो ब्लॉक्ड, इनका जो इन्होंने फोटो ये ली थी तो उसको अवरुद्ध या ब्लॉक्ड शीर्षक उसको दिया है इन्होंने, ब्लॉकेड था ना, बंद था पूरा, तो ब्लॉकेड उसको शीर्षक दिया है। चंदन मित्रा का हाल ही में निधन हो गया, वे थे चंदन मित्रा अभी पूर्व राज्य सांसद और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जाने जाते थे, इनका निधन हुआ है। द पायनियर अखबार के संपादक और प्रबंध निदेशक रह चुके मित्रा को 2003 से 2009 तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था और पहले ये भाजपा के द्वारा चुने गए थे, बाद में इन्होंने तृणमूल कांग्रेस को की सदस्यता अपना ली थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा वरिष्ठ पत्रकार, चंदन मित्रा। मित्रा से वैसे भी आप जान जाएंगे कि ये पश्चिम बंगाल से कहीं ना कहीं रिलेटेड रहे होंगे। अगला जो प्रश्न है, इस्कॉन के संस्थापक श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रतिपाद की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने कितने रुपये का सिक्का जारी किया। तो प्रभुपाद की जयंती पर इनकी ये भी जयंती याद रखिए, इसी समय ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 125 साल पूरे हुए हैं इस्कॉन टेम्पल जो है, तो उसके ये संस्थापक थे उनकी जयंती मनाई गई है, 125 रुपये का सिक्का इन्होंने जारी किया है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो इस्कॉन टेम्पल है, जो भगवान कृष्ण की एक पूरा एक मतलब ये टेम्पल की एक सीरीज है, विदेशों में भी इनके टेम्पल हैं, कृष्ण को ये मानते हैं। इसका फुल फॉर्म भी है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सियसनेस, इसी को इस्कॉन कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और ये हरे कृष्ण आंदोलन के रूप में भी इसको जाना जाता है। 1 सितंबर 1896 को कलकत्ता में अभय चरण डे के रूप में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, बाद में सम्मानित एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रतुपाद द्वारा इसको द्वारा जाना जाने लगा इसको। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस्कॉन की स्थापना 13 जुलाई 1966 में, इस्कॉन जो है ये 1966 में स्थापित हुआ था न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में, यहाँ पे नहीं अमेरिका में। और इस्कॉन का वैसे मुख्यालय देखा जाए तो ये पश्चिम बंगाल में है, मायापुर में। कहाँ पर? मायापुर पश्चिम बंगाल में इसका मुख्यालय है। अगला जो प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल नहीं है। नया ये न्यू डेवलपमेंट बैंक ये ब्रिक्स वाला ही बैंक है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अभी इसमें 2 सदस्य शामिल किए गए हैं, संयुक्त राज्य अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश। 3 सदस्य शामिल किए गए हैं बेसिकली, संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश नए सदस्यों के तौर पर इनको मान्यता दी गई है। और ये जो सदस्य हैं ये अब क्योंकि इसके सदस्य बन गए तो इसकी सारी जितनी भी नीति योजनाएं होंगी उसका लाभ ले पाएंगे। मालदीव इसमें शामिल नहीं है। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स का बैंक है ये आप जानते हैं, और 2020 में जो न्यू डेवलपमेंट बैंक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उसने अपनी सदस्यता का विस्तार करने के लिए बातचीत शुरू की थी। तो इन लोगों ने कहा कि भाई हमको सदस्य बनाओ, तो इन तीनों देशों को, यूएई को, उरुग्वे को और बांग्लादेश को इसमें सदस्यता दे दी गई है। एनडीबी जो है ये बैंक ऋण गारंटी इक्विटी भागीदारी और अन्य वित्तीय साधनों के माध्यम से सार्वजनिक या निजी परियोजनाओं का समर्थन करता है, उनको हेल्प करता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय संघाई चीन में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मार्कोस प्राडो ट्रायोजो हैं और न्यू डेवलपमेंट बैंक के संस्थापक की बात की जाए तो ब्रिक्स के द्वारा इसको शुरू किया गया था। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 15 जुलाई 2014 को इसको स्थापित किया गया था। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसका मुख्यालय आप बिल्कुल मत भूलिएगा, ये संघाई में है। और मार्कोस प्राडो ट्रायोजो, ये नाम से आपको क्या लग रहा है, कहाँ के होंगे? ब्राजील के होंगे, जरा बताइएगा हमको कि नाम से आपको क्या लग रहा है। नाम से भी कई चीजें आप पहचाना करिए। और 15 जुलाई 2014 को इसको शुरू किया गया था। एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड किसे दिया गया। ठीक है, तो एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट
अवार्ड जो प्रदान किया गया है ये दिया गया है एक पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है उसको, ये संगठन जो है इसको प्राप्त करने में सफल रहा है। भारत सरकार का बिजली मंत्रालय के तहत ये महारत्न है, ठीक है, महारत्न कंपनी के अंतर्गत ये आता है। और एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट ATD जिसको बोलते हैं, ये बेस्ट अवार्ड इसी को दिया गया है। पावर ग्रिड की क्षेत्र में दुनिया भर में 71 संगठनों में 8वां रैंक इसने हासिल किया है और ऐसा पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम बन गया है। और शीर्ष 20 में भारत की केवल 2 कंपनियां हैं, उनमें से एक ये है, ठीक है। पावर ग्रिड की स्थापना जो हुई थी ये 23 अक्टूबर 1989 को हुई थी और पावर ग्रिड का मुख्यालय गुड़गांव भारत में है, गुड़गांव में ही है। गुड़गांव कहाँ पड़ता है? दिल्ली के पास, हरियाणा में बेसिकली ये पड़ता है। और एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट की बात करें कि दुनिया का सबसे बड़ा संघ है जो संगठनों में प्रतिभा विकसित करने वालों को समर्पित है। और ये जो ATD का बेस्ट अवार्ड है ये प्रतिभा विकास उद्योग की सबसे कठोर और प्रतिष्ठित अवार्ड के तौर पर या मान्यता के तौर पर इसको माना जाता है। तो इसको मिला है, यानी कि इसने कहीं ना कहीं प्रतिभा विकास के क्षेत्र में काफी काम किया है तभी इसको दिया गया है। KYC मानदंडों के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए RBI ने किड्स बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। KYC मानदंड यानी कि नो योर कस्टमर जो मानदंड होते हैं उनके कुछ प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए अभी RBI ने एक्सिस बैंक पर 25 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना, पैसे का जुर्माना लगा दिया है। फरवरी 2020 और मार्च 2020 के दौरान बैंक में रखे गए ग्राहक खाते में जांच की गई, जहां ये पाया गया कि बैंक जो है वो KYC मानदंडों का पालन नहीं कर रहा है। KYC निर्देश 2016 का पालन इसने नहीं किया है, ठीक है, तो इसके ऊपर जुर्माना लगाया गया। एक्सिस बैंक की बात की जाए तो ये मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, 3 दिसंबर 1993 को अहमदाबाद में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है लेकिन स्थापित हुआ था अहमदाबाद में। और इसके जो CEO हैं ये अमिताभ चौधरी वर्तमान में इसके CEO हैं। जब करंट में अपडेट होगा तो हम लोग इसको देख लेंगे। हाल ही में स्मृति जुबिन ईरानी ने न्यूट्री गार्डन का उद्घाटन किया, इस अवसर पर कौन से पौधे लगाए? कभी कभी आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो न्यूट्री गार्डन का जो उद्घाटन किया गया है इसमें सहजन और आंवला, सहजन को एक नाम से और जाना जाता है, सिगरू कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? सिगरू। तो सहजन और आंवला दोनों ही पौधे स्मृति जुबिन ईरानी ने लगाए हैं। आयुष मंत्रालय के निर्देशन में ये जो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान है नई दिल्ली, ये पोषण माह 2021 के उत्सव की शुरुआत यहाँ से की गई है। तो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं स्मृति जुबिन ईरानी। पोषण माह सितंबर को मनाया जाता है, सितंबर में, इसको 4 सप्ताहों में अलग अलग थीम के तहत बांटा गया है। न्यूट्री गार्डन जो है ये किचन गार्डन, न्यूट्री गार्डन जो भी इसको कहें, पूरे वर्ष परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवासीय घरों या उनके आसपास पोषक तत्वों की भरपूर फसल लगाने और उनकी कटाई के लिए एक विधि है। जैसे आप लगा दीजिए सहजन तो इसमें आपको मिलता रहेगा, बहुत ही फाइबर वाली सब्जी आपको मिलती रहेगी। टेरेस पे आप लगा दीजिए, टेरेस गार्डनिंग करिए, वर्टिकल गार्डनिंग करिए, कंटेनर गार्डनिंग करिए, रूफटॉप गार्डनिंग करिए, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के बैकयार्ड में न्यूट्री किचन को बढ़ावा, जैसे आप मेरे घर पे जाएंगे, आप मेरे गांव वाले घर पे, तो वहाँ पे पीछे इतनी जगह है कि वहाँ पे जो घर पे लोग रहते हैं तो उन लोगों ने डेवलप कर रखा है और जो काम करने वाले लोग हैं वो सब उसमें कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लगाते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, घर की चार दीवारी के अंदर ताजी सब्जी मिल जाती है। और आपको मैं बताऊं कि आप कभी भी पहुंचिए ताजी सब्जी आपको मिल जाएगी, रात 12 बजे भी आप पहुंचिए और आपको खाने का मन है तो ताजी कुछ ना कुछ तो लगा मिलेगा, भिंडी लगा मिलेगा, बैंगन लगा मिलेगा, हरी मिर्च लगी है, बाकी नींबू वगैरह के पेड़ लगे हैं और सहजन का भी पेड़ है, परवल के पेड़ लगे हुए हैं, लोबिया जो है, बीन्स जो होती है उसके पेड़ लगे हुए हैं, मतलब पौधे, और बाकी करेला वगैरह ये सब लगा रहता है, लौकी तरोई ये सब लगी रहती है। तो ये एक एक दो दो पेड़ होंगे तो काफी 4-5 लोग अगर घर में हैं तो आसानी से खा पी सकते हैं, बड़ा बढ़िया रहता है ये, कभी आप अजमा के देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप GIC लेक्चरर का एग्जाम दे रहे हैं तो आप हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम केवल 149 रुपए का है, उसका लाभ उठाइए और अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा कीजिए। डेली एक टेस्ट मिल रहे हैं 1 से 15 सितंबर के बीच में, PDF सहित हम आपको देंगे और उसको आप इतने बढ़िया से रिवाइज करेंगे आपका स्कोर बढ़ेगा। साथ में UPPCS RO के एग्जाम के लिए भी आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। नई टेस्ट सीरीज भी आगामी दिनों में लॉन्च होंगी, पुरानी जो चल रही है उसमें कोई फिक्र नहीं है, सारे आपको टेस्ट मिलते हैं सब कुछ, केवल डेट उनकी पुरानी होती है जो आपको शेड्यूल दिया जाता है, बाकी कोई अंतर नहीं है। मंथली मैगजीन का PDF टेलीग्राम पे अपलोड किया जा चुका है, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए।
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है और वहां से उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, पढ़िए आराम से। अगला जो प्रश्न है, इसका पहला स्टेटमेंट है, राज्यसभा महासचिव की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राज्यसभा के वर्तमान अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू है। ये दो स्टेटमेंट है। राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो उपराष्ट्रपति ही होते हैं, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, ये सही बात है। तो दूसरा कथन तो सही है, राज्यसभा महासचिव की नियुक्ति अभी एम वेंकैया नायडू जो सभापति हैं उन्होंने की है। डॉक्टर पीपी के रामाचार्यालू को अभी चुना गया है ये महासचिव के रूप में, राज्यसभा का महासचिव। तो राष्ट्रपति ने, उपराष्ट्रपति महोदय ने इनको चुना है, केवल दो सही है। और 2018 से राज्यसभा सचिवालय में ये सचिव के रूप में काम कर रहे थे, अब महासचिव बन गए हैं। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति नहीं होता है, उपराष्ट्रपति होता है और उन्होंने ही चुना है, ये ध्यान रखना। राज्यसभा की स्थापना 3 अप्रैल 1952 को की गई थी, भारत जब आजाद हुआ उसके बाद में संविधान जब लागू हुआ, पहले लोकसभा बाद में राज्यसभा आते, लेकिन अस्थायी सदन इसी को माना जाता है क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती। और राज्यसभा की जो अवधि सीमा है, जो सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य की अवधि सीमा ये 6 साल होती है, बाकी फिर इसमें चुने जाते रहते हैं हर 6 मतलब कितने सदस्य चुनते रहते हैं, हर 2-2 साल पे ऐसे चेंज होते रहते हैं, सदस्य नए आते रहते हैं, कभी ये भंग नहीं की जाती। अपर जो हाउस है वो यही होता है, उच्च सदन यही होता है। यू ब्रीथ लाइफ के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। यू ब्रीथ लाइफ एक जीवित पौधे आधारित वायु शोधक यंत्र है, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा है कि इसका विकास IIT रोपण, IIT कानपुर और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रबंधन अध्ययन संकाय ने संयुक्त रूप से किया है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। जो ये यू ब्रीथ लाइफ है, यू ब्रीथ लाइफ, तो यू ब्रीथ लाइफ का मतलब है कि जीवित पौधे आधारित वायु शोधक, जैसे अभी तक आप देख रहे हैं मशीनें लॉन्च हो रही हैं जो वायु को फिल्टर करके, एयर को फिल्टर करके आपको सांस लेने के लिए देंगी, लेकिन अब पौधे ये काम करने लगे तो कितना अच्छा हो जाएगा। अस्पताल, स्कूल, कार्यालय, घर, इंडोर स्थानों में ये लगा दिए जाए, अत्याधुनिक स्मार्ट बायो फिल्टर जो सांस को ताजा करके आपको दे। तो ये कंपनी ने दावा किया कि वायु शोधन के लिए जिन विशिष्ट पौधों का परीक्षण किया है उसमें पीस लिली, स्नैक प्लांट, स्पाइडर प्लांट, ये सब शामिल है। अब इन्हीं को डेवलप करके अंदर आप लगाइए, इंडोर प्लांट बहुत सारे होते हैं जो कम सूर्य के प्रकाश में भी चल जाते हैं, डायरेक्ट धूप नहीं लगेगी तब भी पानी उनको मिलता रहे, तो ये सब वायु शुद्ध करने का भी काम करेंगे। और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस नेशनल पार्क के नाम से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम हटा दिया गया। अभी एक नेशनल पार्क है असम में, औरंग नेशनल पार्क, उसका नाम हुआ करता था राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क। तो औरंग वहां की जनजाति है, अब गवर्नमेंट को हटाना था, उन्होंने कहा कि औरंग नाम आदिवासी और चाय जनजाति समूह की इमोशंस से जुड़ा हुआ है, तो अब इसको हटाना जरूरी है राजीव गांधी का नाम। अब जब कांग्रेस की कभी गवर्नमेंट आएगी तो फिर जोड़ दिया जाएगा, चिंता बिल्कुल मत करिए, ये सब एक ऊंची राजनीति हुआ करती है। और ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तट पर स्थित ये औरंग जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये राज्य का, असम राज्य का सबसे पुराना वन अभयारण्य है, और 1985 में इसे वन्यजीव अभयारण्य का नाम दिया गया था और 1999 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा और कि कहाँ के पार्क से नाम हटाया गया है, बाकी और भी कई जगह से नाम चेंज हो रहे हैं। तो ये आपको कैसा लगा जरूर बताएं, हमारी टेस्ट सीरीज का लाभ लेना हो तो 6307281212 पर हमें कॉल या व्हाट्सएप करें, और कभी जो कोई कोर्स परचेज करें उसमें कोई दिक्कत आए तो इतना परेशान ना हो जाए कि लगने लगे कि आप में पेशेंस बिल्कुल नहीं है और आप ऐसे इंसान हैं जो क्या बताएं, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जिंदगी में सब कुछ आपके मुताबिक रात 12 बजे नहीं हो जाता है, ऑफिस टाइम में अगर आप फोन करते हैं तो रिस्पांस जल्दी मिलता है, रात में 9 बजे आप फोन करेंगे 10 बजे तो मेरे लिए और मेरे स्टाफ के लिए भी और भी बहुत सारे काम होते हैं। ऐसा नहीं है कि बस आपने फोन किया और 150 रुपये आपने पेमेंट किया है तो आप अब पूरे स्टाफ और हमको 24 घंटे के लिए एंगेज कर लेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हम लोग आपकी सर्विस के लिए, आपको हेल्प करने के लिए तत्पर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप रात 10 बजे फोन करके बिल्कुल तुरंत परेशान हो जाएंगे, छोटा सा काम है आप कुछ नहीं कर पाते, ऐसे कई लोग करते हैं, तो ऐसे लोग अपने बेवकूफी का परिचय न दिया करें। थैंक यू सो मच।